प्यारे बच्चे, चलिए आइए चलते हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले दिन, वो हम लोग पढ़ रहे थे बायोट सावर्ट लॉ, यानी कि बियो सावर्त के नियम हम लोग पढ़ रहे थे। अब बियो सावर्त नियम में हम लोग ये पढ़े थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके किसके समानुपाती होता है, उसका क्या डेराइव होता है, उसका फिगर क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ना था आज, ये पढ़ना था कि बियो सावर्त नियम और कूलॉम के नियम में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, या दोनों में क्या तुलना है। हम लोग तुलना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे बियो सावर्त नियम और कूलॉम के नियम में तुलना। हम लोग तुलना कर रहे हैं किसके किसके बीच, तो बियो सावर्त नियम और कूलॉम के नियम के बीच। अब दोनों में क्या क्या तुलना करेंगे, चलिए तो फर्स्ट अब देते हैं, लिखेंगे बियो सावर्त नियम और कूलॉम के नियम के बीच कुछ समानताएं हैं तथा कुछ असमानताएं हैं। कुछ समानताएं हैं तथा कुछ असमानताएं हैं। प्यारे छात्रों, समानताएं का मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो बियो सावर्त नियम में भी पाया जाता है और कूलॉम के नियम में भी पाया जाता है। ऐसा कौन सा चीज है जो बियो सावर्त में पाया जाता है परंतु कूलॉम के नियम में नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असमानताएं। असमानताएं का मतलब एक में जो चीज है वो चीज दूसरे में ना हो, या फिर दूसरे में जो चीज हो वो पहले वाले में ना हो, इसको हम लोग असमानताएं कहते हैं। असमानताएं का मतलब बराबर नहीं है। और कौन कौन सा वो चीज है जो दोनों में इक्वल है, दोनों में बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बियो सावर्त नियम और कूलॉम के नियम में क्या समानताएं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में सेम सेम है। तो सबसे पहले लिखेंगे, ऐसा पॉइंट देंगे और इस ऐसे पॉइंट देकर लिखेंगे कि समानताएं क्या क्या है। समानताएं में पहला लिखेंगे, पहला समानता क्या है उसको लिखेंगे, फिर दूसरी समानताएं, फिर और समानताएं क्या क्या है पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। समानताएं में लिखेंगे पहला पहला समानताएं का पहला, दोनों क्षेत्र अर्थात अर्थात बियो सावर्त नियम और कूलॉम के नियम में स्रोत एवं परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा लिखेंगे, समानताएं के पहला कंप्लीट हो गया, समानताएं का दूसरा, दोनों क्षेत्र का मतलब कौन कौन सा, बियो सावर्त और कूलॉम के नियम, दोनों क्षेत्र दीर्घप्रास के होते हैं। दीर्घप्रास के होते हैं। अब असमानताएं लिखेंगे, असमानताएं, अच्छा समानताएं का थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे। समानताएं का थर्ड पॉइंट, अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों नियमों के लिए मान्य है। अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों नियमों के लिए मान्य है। अब लिखा जाए
असमानताएं, ऐसा पॉइंट्स देंगे और इसके बारे में लिखेंगे असमानताएं, यानी कि कौन कौन सा चीज था जो समानताएं हैं। तो इसमें तीन तक के लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब लिखेंगे असमानताएं, तो असमानताएं का पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट असमानताएं में, बियू शावर्त नियम में, बियू शावर्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र के लिए मान्य होता है, बियू शावर्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र के लिए मान्य होता है, जबकि जबकि कुलोम के नियम में विद्युतीय क्षेत्र के लिए मान्य होता है, जबकि कुलोम के नियम में विद्युतीय क्षेत्र के लिए मान्य होता है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, बियो सावर्त नियम एक सदिश राशि को व्यक्त करता है, बियो सावर्त नियम में एक सदिश राशि को व्यक्त करता है, जबकि जबकि कुलोम के नियम में सदिश राशि को व्यक्त करता है, जबकि कुलोम के नियम में सदिश राशि को व्यक्त कर सॉरी अदिश राशि लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि बियो सावर्त नियम सदिश होता है, यहाँ पे अदिश लिखना है कि कुलोम के नियम के बीच अदिश राशि को व्यक्त करता है। और असमानताएं का तीसरा लिखेंगे, असमानताएं का तीसरा, बियो सावर्त नियम में कोण कोण अर्थात थीटा का प्रयोग किया जाता है, बियो सावर्त नियम में कोण थीटा का प्रयोग किया जाता है, जबकि 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 कुलोम के नियम में जबकि कुलोम के नियम में कोई कोण का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कुलोम के नियम में कोई कोण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से बियो सावर्त नियम और कुलोम के नियम के बीच हम लोग तुलना पढ़ रहे थे। तुलना का मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज है जो समानताएं हैं और कौन कौन सा चीज है जो असमानताएं हैं। तो समानताएं का मतलब कौन ऐसा चीज है जो दोनों इक्वल है, दोनों में इक्वली पाया जाता है, दोनों का दोनों में सेम चीज होती है। असमानताएं वो चीज होती है जो किसी एक में जो चीज है वो दूसरे में नहीं, अगर वो दूसरे में हो तो पहले वाले में नहीं होता है, तो इसको हम लोग असमानताएं कहते हैं। तो चलिए हम लोग समानताएं का पहला लिखेंगे, पहला लिखे हुए हैं कि समानताएं में जो होता है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर याद होगा कुलोम के नियम भी हम लोग पढ़ रहे थे तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था। जरा आपको हम दिखा देते हैं कि कुलोम के नियम में एफ बराबर क्या फार्मूला होता है, म्यू नोट बटा 4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R2। और बियो सावर्त नियम में जो हम लोग को फार्मूला मिला था म्यू नोट बटा 4πIdl×r r2। तो ये मेरा बियो सावर्त नियम का फार्मूला है और ऊपर वाला कुलोम का नियम का फार्मूला है। जरा ध्यान से इन चीजों को देखिए, समझिए कि इसमें इसमें क्या समानता है। तो पहला समानता ये कि ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे है, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पहला समानता। दूसरा, ये भी दीर्घप्रास के लिए है और ये भी दीर्घप्रास के लिए है। दीर्घप्रास बोले तो बहुत बड़ा रेंज, बहुत बड़े रेंज के लिए फॉलो किया जाता है
ये दीर्घ प्रास के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि सबसे लंबा से लंबा रेंज के लिए अप्लीकेबल है। और तीसरा, ये तीसरा जो मैंने जो हम लोग लिखे हैं वो यहाँ ये लिखे हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत भी हम लोग उसी चैप्टर में पढ़े थे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कूलॉम के नियम भी फॉलो करता है और बियो सावर्त का नियम भी फॉलो करता है। तो अगर आपको सवाल आएगा कि बियो सावर्त नियम और कूलॉम के नियम के बीच समानताएं क्या क्या है, तो पहला समानता दूरी के वर्ग के बीच के विद्युत क्रमानुपाती दोनों में होता है। दूसरा, दीर्घ प्रास के लिए है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी के लिए भी अप्लीकेबल है, यानी कि कई अरबों मील तक की दूरी तक के हम लोग इसका यूज कर सकते हैं दोनों का भी, इसी को बोलते हैं दीर्घ प्रास। और तीसरा, तीसरा में हम लोग क्या देखें कि दूसरा में हम लोग देखें कि लॉन्ग रेंज के लिए, और तीसरा में हम लोग देखें कि हम लोग जो पढ़े हुए थे अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों के लिए अप्लीकेबल है। अध्यारोपण का सिद्धांत यही बोलता है कि जितने भी टोटल चारों तरफ से जितने फोर्स लगेंगे सबको ऐड करने के बाद कितना होगा, उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। अध्यारोपण का सिद्धांत यही बताता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत भी फॉलो करते हैं। तो ये भी हम लोग समानताएं पढ़ रहे थे। असमानताएं क्या क्या है वो जरा समझिए। पहला असमानता ये हुआ कि इसमें इसका फॉर्मूला डीएल क्रॉस आर के हम लोग जगह पे लिख सकते हैं डीएल आर कैप साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। तो यहां से हम लोग डीएल और क्रॉस आर कैप है तो यहां से भी लिख सकते हैं डीएल आर कैप साइन थीटा। लेकिन आर कैप का वैल्यू कितना होता है? वन। इसलिए यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि डीबी का जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला निकाले हैं इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यूनोट बेटा फोर पाई आई, और डीएल है यहाँ पे और वेक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ डीएल और क्रॉस आर है तो यहां पे आप लिखेंगे डीएल आर कैप साइन थीटा, लेकिन और बटा में क्या आर स्क्वायर। प्यारे छात्रों, जहां कहीं भी अगर कैप मिल जाए उसका वैल्यू होता है वन। अगर पी का कैप तो इसका वैल्यू वन, आर का कैप तो उसका वैल्यू वन, तो इसका वैल्यू मिलाकर कितना हुआ वन। तो कुल मिलाकर म्यू नॉट बट्टा फोर पाई आई डी एल, इसका तो वैल्यू वन, तो साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ये भी होता है फार्मूला, हम लोग कल पिछले दिन बियो सावर्त में प्रूव किए थे कि डीबी बराबर म्यू नोट बटा फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये तो असमानताएं देखते हैं। पहला असमानता ये हुआ कि इसमें किसी न किसी बियो सावर्त में एंगल के लिए उपयोगी है, यानी कि इसमें कोण का प्रयोग होता है जिसका नाम थीटा है, लेकिन कभी भी कूलॉम के नियम में कोई कोण का व्यवहार, कोई कोण का उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ असमानताएं में कि बियो सावर्त नियम में कोण का प्रयोग होता है जबकि कूलॉम के नियम में नहीं होता है। दूसरा, विद्युत इसमें बियो सावर्त नियम एक सदिश राशि है, बियो सावर्त नियम एक सदिश राशि को व्यक्त करता है, इसलिए क्योंकि यहां पे देख रहे हैं वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश डीएल क्रॉस आर है ना, तो ये वेक्टर को बताता है, यानी कि बियो सावर्त नियम का जो फॉर्मूला आया है वो एक सदिश राशि को व्यक्त करता है। परंतु जो हमें कूलॉम के नियम है चूंकि इस पर कोई वेक्टर नहीं है तो ये एक अदिश को व्यक्त करता है, यानी कि पहला ये आप लिख सकते हैं कि इसमें थीटा कोण का व्यवहार है किया हुआ है बियो सावर्त में लेकिन कूलॉम में नहीं किया हुआ है। फिर दूसरा आप समझेंगे कि ये सदिश को व्यक्त करता है कौन, बियो सावर्त नियम, लेकिन कूलॉम के नियम एक अदिश राशि को व्यक्त करता है। और दूसरी बात कि जो बियो सावर्त नियम है वो एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि डीबी, डीबी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन ये जो कूलॉम के नियम है ये विद्युतीय क्षेत्र को बतलाता है। तो टोटल मिलाकर आपके सामने जो तुलना हुआ वो तीन तीन क्षेत्र तुलना हुआ। तुलना का मतलब कुछ समानताएं भी है और कुछ असमानताएं भी है, यानी कि कौन कौन सा चीज सेम है और कौन कौन सा चीज डिफरेंट है, अलग अलग है।
तो आप समानताएं और असमानताएं देखें। अब उसके बाद हम लोग एक काम और करेंगे कि कौन कौन सा केस में चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पिछले चैप्टर में जब हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे, संधारित्र की धारिता, तो वहां पे एक अलग अलग केस सीखे हुए थे, अलग अलग केस पढ़े हुए थे। वहां केस ये था कि अगर मान लिया कि अगर गोला रहेगा उसके पृष्ठ पर कितना होगा चुंबकीय धारिता का वैल्यू, धारिता हम लोग निकाले थे संधारित्र की धारिता। तो वहां पे अलग अलग केस था, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर गोला रहेगा, अगर बेलन रहेगा, तब उसके पृष्ठ पर कितना संधारित्र की धारिता होगा। अगर मान लिया कि दो चादर का प्लेट रहेगा, तब संधारित्र की धारिता कितना होता है। तो उस चैप्टर में हम लोग अलग अलग केस में अलग अलग काम किए थे, प्रूफ भी किए थे और सबका रिजल्ट भी हम लोगों को पता था। अब हम लोग काम इसमें वही करेंगे। अब हम लोग को 3-4 प्रूफ है और ये 3-4 प्रूफ का मतलब 2-3 क्लास तो प्रूफ वाला ले ही लेगा, क्योंकि बहुत वास्ट है और इससे भी सवाल भी आता है कि प्रूफ करने के लिए, यानी कि फिजिक्स में अगर बात किया जाए तो 40% तो आपका प्रूफ में ही चला जाता है, सिद्ध करने में, फार्मूला सिद्ध करने में। तो अभी आज हम लोग वो चीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चीज है जिसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। यानी कि प्यारे छात्रों, पिछले वाले जो हम लोग अभी बता रहे थे संधारित्र वाला चैप्टर में, उसमें हम लोग अलग अलग केस में, अलग अलग सिचुएशन में, वहां पे हम लोग संधारित्र की धारिता निकालते थे या फिर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालते थे अलग अलग केस में। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे, यहाँ पे भी एक अलग अलग केस रहेगा जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, यानी कि कुछ अलग अलग कंडीशन रहेंगे उसके लिए और हमें चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला को प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा। चलिए अब कौन कौन सा वो चीज है तो अब टॉपिक लिखेंगे बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग। टॉपिक है बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग चलिए तो उसके नीचे फर्स्ट एरो देते हैं कि बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एरो देखेंगे, लिखेंगे बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग, अभी हम लोग समझेंगे कि अनुप्रयोग क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे। तो बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए तो अब हम लोग का सबसे पहले ये समझना है कि जैसे हम लोग वहां पे संधारित्र की धारिता या फिर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे अलग अलग कंडीशन में, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे काम करना है बियो सावर्त नियम का प्रयोग करके। यही है अनुप्रयोग का मतलब, क्या प्रयोग, अब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करेंगे। तो मेन 3 जगह है, आप नोट में हम आपको समझा देते हैं कि टोटल केस जो है 3 है। पहला केस में हम लोग, फर्स्ट नंबर केस है कि वृत्ताकार
कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर बी का मान कितना होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। और केस नंबर टू है, और पता है केस नंबर टू का दो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर इस फोर सिचुएशन, सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन सेकंड। केस टू ये बताता है कि सीधे धारावाही तार है, सीधे धारावाही तार है, धारावाही तार है, अब उसके कारण बी का वैल्यू कितना होगा। तो इस सिचुएशन नंबर वन में हम लोग अनंत के लिए सीखेंगे और सिचुएशन नंबर टू परिमित के लिए सीखेंगे, परिमित। अब हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये चीज क्या है। और केस नंबर थ्री लास्ट केस है, केस नंबर थर्ड, ये बताता है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर नहीं, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। अब सबका मीनिंग समझेंगे प्यारे छात्रों, ये बियो सावर्त नियम का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब उपयोग, हम लोग बियो सावर्त नियम का उपयोग कहां कहां करेंगे और इसी का उपयोग करके हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे कि अलग अलग सिचुएशन में संधारित्र की धारिता अलग अलग होता है, विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है, वैसे ही आज हम लोग उस कंडीशन पे पहुंच गए हैं कि अलग अलग सिचुएशन रहेगा, अलग अलग केस रहेगा, तो उस केस के लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। यानी कि इतने सारे केस में, इतने ही सारे केस हैं और इनके लिए बी का मान निकालना है। अक्सर यहां पे केस टू या फिर केस थ्री पूछा जा सकता है कि सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना होगा। तो ये दोनों का पूछने का संभावना ज्यादा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता। अब जब सबका मीनिंग समझते हैं कि क्या है वृत्ताकार कुंडली का, मतलब क्या हुआ, एक तार रहेगा, धारावाही कुंडली है, यानी कि आपको एक वृत्त के फॉर्म में एक वायर को जोड़ देंगे और फिर करंट देंगे। जब ऐसा चीज करेंगे तब केंद्र पर, यानी कि यहां पे केंद्र है ओ, तो यहां पे जहां पे वो केंद्र है वहां पर बी का मान कितना होगा, ये हम लोग पहला डिराइव करेंगे। यानी कि पहले छात्रों आप ये समझिए वृत्ताकार कुंडली का मतलब क्या, वृत्ताकार तार है, वृत्ताकार तार है जिसमें आई करंट देते हैं क्योंकि धारावाही लिखे होंगे, ये हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, जब आप हम आपको बोल के लिखवाएंगे उसमें जरूर लिखवाएंगे कि धारावाही कुंडली, धारावाही का मतलब उसमें करंट दिया जा रहा है, धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो अगर पहला सिचुएशन क्या बोलता है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, मतलब इसमें आई देंगे, करंट देंगे, तो उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र नहीं चुंबकीय, यानी कि बी का मान कितना होगा, ये हम लोग केस वन करेंगे। और केस टू क्या बोल रहे हैं, सीधे धारावाही तार रहेगा, यानी कि इस बार तार मुड़ा हुआ नहीं है, इस बार तार सीधा है, इस बार तार सीधा है, और इसमें जब करंट आई देंगे तो इसके आसपास, यानी कि यहां पे चाहे यहां पे चाहे यहां पे आसपास के क्षेत्रों में बी का मान कितना होगा। ये तो केस टू है। अब केस टू को ही हम लोग दो सिचुएशन में पढ़ेंगे। पहला सिचुएशन कि अगर तार का लंबाई अनंत रहेगा, यानी कि ऊपर भी बहुत ज्यादा लंबा है और नीचे भी बहुत ज्यादा लंबा है, यानी कि अनंत तार जब अनंत लंबा होगा तब बी का मान कितना होगा। अगर वो परिमित रहे, यानी कि फिक्स रहे कि तार का लंबाई इतना ही है, बस तार का लंबाई इतना ही, यानी कि फिक्स, सीधे धारावाही तार के लिए तो हम लोग पढ़ेंगे ही बी का मान, लेकिन दो सिचुएशन में प्यारे छात्रों, पहला ये कि अनंत तार रहेगा, तार का लंबाई बिल्कुल अनंत रहेगा तब बी का मान कितना होगा। अगर उस तार का लंबाई फिक्स रहेगा, यानी कि इतना अगर रहेगा फिक्स, तब बी का मान कितना होगा। हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बी का मान पढ़ेंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालेंगे, प्रूफ करेंगे। फिर तीसरा केस है कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना होगा। अब जरा अक्ष को समझना बहुत टफ है क्योंकि ये 3D डायमेंशनल में आता है। अब सबसे पहला आप समझिए कि अगर मान लिया कि
कि एक वृत्ताकार ही है जिसमें आई करंट देंगे। यहां पे क्या बोल रहा था, केंद्र पर, और केंद्र से ये मान लिया कि एक केंद्र है और केंद्र से ही एक मान लिया कि एक बोर्ड है और ऐसा रहता और एक ऐसा चक्कू या फिर कुछ रहता है जहां पे यहां पे छेद कर दिया जाता और एक मार्कर को इसके नीचे उस पार आर पार कर देते तो वृत्त जो है बीच में आ जाता, तब हम इसको बोलते कि वृत्त का अक्ष हो गया। वृत्त का अक्ष का मतलब कि चारों तरफ से वृत्त है और उसके केंद्र से होते हुए एक रेखा पार किया है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। अगर हम यहां पे तो ऐसा बना नहीं सकते हैं, यानी कि ये वृत्ताकार फॉर्म है, जैसे कि आप ऐसे एक वृत्ताकार फॉर्म है और ऐसे, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि यहां से आपको पता चल रहा है कि ये वृत्त है, बीच में वृत्त है, सर्किल है, यानी कि यही तार है और इसके केंद्र से एक रेखा पार किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त के अक्ष। यानी कि तीनों सिचुएशन अलग अलग है, वृत्ताकार कुंडली रहेगा तो केंद्र पर कितना होगा, बिल्कुल बीचों बीच में बी का मान कितना होगा, धारावाही तार के कारण, और इसका दो सिचुएशन, एक अनंत के लिए और एक परिमित के लिए, और तीसरा सिचुएशन कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना होता है, और अक्ष पर का मतलब क्या, ये वृत्ताकार कुंडली हो गया और इसका अक्ष का मतलब इसके बीचों बीच पार किया गया है वो रेखा। अब इसके अक्ष पर का मतलब केंद्र पर को छोड़कर, केंद्र पर नहीं क्योंकि केंद्र पर तो हम लोग निकाल लिए हैं, अब इसके अक्ष पर बोल रहे हैं, यानी कि यहां भी यहां भी यहां भी, यही ना अक्ष हुआ। अक्ष का मतलब जो वृत्ताकार कुंडली है उसके बीचों बीच जो रेखा पार किए वो सब हो गया अक्ष, उसका अक्ष। अब हम इसको पार किए गए बहुत लंबा रेखा भी खींचेंगे, ये भी हो गया वृत्त का अक्ष। वृत्त का अक्ष बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, यानी कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इस तरीके से हम लोग तीन सिचुएशन का प्रूफ करने वाले हैं और ये बहुत भास्ट भी है अगर आप समझेंगे नहीं तो, अगर समझने के बाद प्रूफ करने के बाद आप इन चीजों को प्रयास करना होगा, फिर हम लोग इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने वाले हैं तो चीजें आसान हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते आप जुड़ रहे हैं अलग अलग केस के लिए। अगर सवाल में न्यूमेरिकल भी आता है तो यही बोलेगा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला उसके लिए प्रूफ करेंगे कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। यानी कि सभी केस में बियो सावर्त नियम का ही अनुप्रयोग करेंगे और बियो सावर्त नियम को लगाकर ही सभी केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, और यही तीन केस है, यू बोले तो केस नंबर दो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो हम लोग प्रूफ करेंगे, एक अनंत तार के लिए और एक परिमित तार के लिए। तो यही तक के क्लास को एंड करते हैं, अगले क्लास में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का और प्रूफ है व्यंजक प्राप्त करेंगे अलग अलग केस के लिए। यानी कि अगले दिन के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर यहां तक प्रूफ करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल से ऐड करेंगे। तो आज तक के क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाए, धन्यवाद।